हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, वाई आर अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंट इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में हो रहा है तो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहले एक बार लोकेशन देखते हैं जिससे हम समझ पाएंगे। तो आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान यहाँ से। तो क्या इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं? हाँ करते हैं। तो आप देखिए, ये अफगानिस्तान का हो जा रहा है बॉर्डर, ठीक है, और ये किसके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं? इंडिया के यहाँ पे पीओके एरिया के साथ, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे ये शेयर तो कर रहे हैं बॉर्डर, तो अफगानिस्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आप देखिए, नेबरिंग कंट्रीज ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, और इस तरफ में आप देखिए तो चाइना। क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? हाँ, लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब डायरेक्ट हम लोग इससे ओशन में नहीं जा सकते, हमें या तो ईरान से होके जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से होके जाना पड़ेगा, यहाँ से इंडिया हो इंडिया से जाओ, चाइना हो चाइना से जाओ, ऊपर में आप यहाँ से कहीं से जाओ, पर आपको डायरेक्ट यहाँ से आप नहीं जा सकते। तो बीच में अफगानिस्तान है, इधर देखिए इंडिया, चाइना, यहाँ पे नीचे में पाक, यहाँ पे नीचे में ईरान, ठीक है, यहाँ पे ताजिकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कंट्रीज इसको लैंडलॉक बना रही हैं, और ये रही वो कंट्रीज। अब आपके लिए एक होमवर्क है, काम है, होमवर्क क्या काम है कि आप मेरे को बताइए इसके सबके कैपिटल क्या क्या है। कुछ कुछ के कैपिटल देखिए दिख रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ कुछ के कैपिटल दिख रहे हैं, और आपको कुछ कुछ के कैपिटल बताने हैं मुझको, कि ताजिकिस्तान का क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान का क्या हो गया, अशगाबाद किसका है दोनों में से बताइए। तुर्कमेनिस्तान का है अशगाबाद, इसका क्या है? बिश्केक है, नहीं बिश्केक तो आपका किर्गिस्तान का है, तो इसका मेरे को बताइए आप क्या है। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है, तुर्क लोग अशगाबाद से आते थे, अश मतलब आपके घोड़े, उससे आते थे, तो तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद हो गया। तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान में दोनों में इधर उधर लेफ्ट राइट कौन है, ईस्ट वेस्ट कौन है? तो ताज इंडिया में है, तो ताजी इंडिया के तरफ होगा, तो ताजिकिस्तान इंडिया के तरफ है, ऐसे याद करने का तरीका है। दोनों के बीच में कौन है? ताशकेंत, उज्बेकिस्तान दोनों के बीच में। पाकिस्तान कौन है? इंडिया का बेटा है, और कौन है? तो चलिए अपने आर्टिकल पर आते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3 स्ट्रक वेस्टर्न अफगानिस्तान ऑन अक्टूबर 15, बेरली अ फ्यू डेज आफ्टर मल्टीपल अर्थक्वेक्स ऑफ द सिमिलर स्ट्रेंथ किल्ड द लीस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द हेरत प्रोविंस। मल्टीपल अर्थक्वेक हैव डिस्ट्रॉयड एंटायर विलेज इन द कंट्री। अफगानिस्तान तालिबान रन गवर्नमेंट हैज़ पुट आउट कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स ऑन द डेथ टोल फ्रॉम अक्टूबर 11 क्वेक। इसमें ये रिपोर्ट बताया गया, ऑन अक्टूबर 13 द डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री रिवाइज डाउनवर्ड्स द डेथ टोल फ्रॉम द अर्थक्वेक टू अराउंड 1,000 फ्रॉम द अर्लियर फिगर ऑफ ओवर 2,400। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस Office had said earlier that around 1300 people died, the report added. Is this the first time? क्या ये पहली बार है? Afghanistan had faced widespread destruction from the intense earthquake over the years. In June 2022, more than 1000 people were killed when the earthquake of magnitude 6.1 struck Khost and Pakita province. In 2015, a major earthquake that struck the country's northeast, Afghanistan का northeast ये वाला part. नॉर्थ ईस्ट ओवर 200 पीपल इन द अफगानिस्तान एंड नेबरिंग नॉर्दर्न पाकिस्तान एट 6.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन 2002 किल्ड अबाउट 1,000 पीपल इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान। इन 1998 अनदर अर्थक्वेक एंड सब्सिक्वेंट ट्रिमर इन नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान किल्ड एटलीस्ट 4,000। तो आप देखो, यहाँ पे अफगानिस्तान में ये पहली बार तो नहीं आ रहा, शुरू से लोगों को मारा जा रहा है अर्थक्वेक के द्वारा। How do earthquake occur? The earth is made up of chunk of solid rock called tectonic plates. Discontinuities in these rock masses along with which they have moved are called fault lines. These fractures are
एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस एंड स्ट्रेस दैट बिल्ड अप इन अर्थ लिथोस्फियर कॉजिंग द रॉक टू ब्रेक एंड शिफ्ट. द अर्थक्वेक अकर व्हेन ब्लॉक ऑफ लिथोस्फियर सडनली शिफ्ट पास्ट वन अनदर रिलीजिंग एनर्जी एंड सेंडिंग सिस्मिक वेव्स टू ग्राउंड. तो यहाँ पे सिंपल है, टेक्टोनिक प्लेट है अपने, प्लेट आपस में मूव कर रहे हैं, एक उधर जा रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है वो उससे धरती हिल रही है, उसी धरती के हिलने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थक्वेक बोल रहे हैं. द सर्फेस वेयर द लिथोस्फियर चंक स्लिप बिकम अ फॉल्ट लाइन, जहाँ पे ये है हो रहा है उसको फॉल्ट लाइन बोलेंगे. द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द फॉल्ट रेप्चर स्टार्ट टू प्रोड्यूस एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस और द हाइपो सेंटर. द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव इज कॉल्ड एपी सेंटर. ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, तो ये जो नीचे में जगह है यहाँ से अर्थ, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट मूव हुआ है, इस जगह को क्या बोलेंगे, फोकस, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. जो ऊपर में जगह सेम यहाँ पे पहले मूव हो क्या आ रहा है उसको बोलेंगे एपी सेंटर. टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्लो मूविंग बट आर ऑलवेज इन मोशन मोस्टली ड्यू टू दी हीट एनर्जी जनरेटेड इन साइड द अर्थ. तो ये लावा के वजह से मूव होते रहते हैं. दी एजेस ऑफ दिस प्लेट्स आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज एंड कंसिस्ट ऑफ फॉल्स. दिस इज वेयर मोस्ट अर्थक्वेक अकर. ठीक है. वाई डू फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक अकर इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान इज लोकेटेड ओवर मल्टीपल फॉल्ट लाइन इन रीजन वेयर द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मीट. तो आप देखिए, इंडिया नीचे से आया था ऐसे और ऊपर में यूरेशियन प्लेट्स थे, ये ऐसे जुड़े थे यहाँ पे, तब इंडिया आज यहाँ पे सब कॉन्टिनेंटल पार्ट यहाँ पे बना हुआ है, और यही फॉल्ट लाइन आज अफगानिस्तान के ऊपर है. अफगानिस्तान इज लोकेटेड ओवर मल्टीपल फॉल्ट लाइन रीजन इन द रीजन वेयर द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मीट. दिस प्लेट्स कोलाइड ऑफन लीडिंग टू सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक एक्टिविटी. अफगानिस्तान इज लोकेटेड ऑन द यूरेशियन प्लेट टुवर्ड्स वेस्टर्न अफगानिस्तान. द अरेबियन प्लेट सबडक्ट नॉर्थवर्ड अंडर यूरेशिया एंड टुवर्ड्स ईस्टर्न अफगानिस्तान. द इंडियन प्लेट डज द सेम. तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे आपका इंडियन प्लेट है, यहाँ पे आपका अरेबियन प्लेट है, तो तीन प्लेट यहाँ पे मिल रहे हैं, जिस वजह से ये आप देखिए अफगानिस्तान वहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक आते रहता है. इन सदर्न अफगानिस्तान द अरेबिया एंड द इंडियन प्लेट्स आर जॉइन एंड बोथ सबडक्ट नॉर्थवर्ड अंडर द यूरेशियन प्लेट. तो यहाँ पे तीन प्लेट है, सिंपल सी बात है, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत है. द हिंदू कुश माउंटेन रेंज एंड द पामिर नॉट आर जियोग्राफिकली कॉम्प्लेक्स रीजन वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट. द कोलिजन एंड कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट रिजल्ट इन फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. तो फोल्डिंग माउंटेन सही है आपके हिंदू कुश. दिस जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक इन द रीजन. द ऑन गोइंग नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट अभी भी ऊपर जा रहा है टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट ऑल्सो रिजल्ट इन कंप्रेशन. तो वो कंप्रेस भी हो रहा है चीज़ें, लीडिंग टू अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयाज एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द टेक्टोनिक स्ट्रेस अक्रॉस द एंटायर रीजन. तो इसके वजह से हिमालय ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, हिमालय की हाइट बढ़ रही है, और वो जो जो भी उसके ट्रिवर्स है वो आसपास आपके स्प्रेड हो रहे हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान. द कंप्रेशन कॉजेज द क्रश टू डिफॉर्म एंड क्रिएट्स फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स दैट स्लिप एंड जनरेट्स अर्थक्वेक. दिस इंट्रैक्शन एट प्लेट बाउंड्रीज जनरेट सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक स्ट्रेस एंड रिजल्ट इन अर्थक्वेक. अफगानिस्तान इज ऑल्सो क्रिस क्रॉस बाय वेरियस एक्टिव फॉल्ट सिस्टम लाइक चौमन फॉल्ट एंड मेन पामिर थ्रस्ट. दिस फॉल्ट्स आर द सोर्स ऑफ मेनी अर्थक्वेक इन द रीजन. तो यही रीजन है. अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या है, आर्टिकल पढ़ के आप कंसेप्ट को नहीं समझ सकते. सिंपल, आपको अर्थक्वेक का पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है. अब आप देखिए, जैसे कि ये है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा इंडियन प्लेट है, क्या हो गया इसको, आप देखिए ये हमारा इंडियन प्लेट है पूरा, इसको ऐसे बोले इंडिया, इंडियन प्लेट ऐसे आया था इसको, ये पूरा इंडियन प्लेट ही आप मानिए इसको ऐसे. ठीक है. ये इंडियन प्लेट देखिए, ये पूरा का पूरा इंडियन प्लेट है, ऐसे काइट के फॉर्म में आया था ऊपर में. यहाँ पे आपका यूरेशियन प्लेट है, ये आपका इंडियन प्लेट है, और यहाँ पे हम लोग एक और प्लेट पढ़ रहे थे, आप बताइए कौन सा प्लेट पढ़ा है हमने. इंडियन प्लेट पर हो गया, अरेबियन प्लेट हो गया.
ये आपका अरेबियन प्लेट, ठीक है। आप देखिए ये इधर जा रहे हैं, इधर कंप्रेस हो रहे हैं, इधर हिमालय उठ रहे हैं, तो ये सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पे पहुँच रही है। इसके तरफ भी मूव हो रहा है, ये भी टकरा रहे हैं, ये भी टकरा रहे हैं इधर में, तो ये भी आपका कंप्रेशन हो रहा है। इसलिए सबसे यहाँ पे तीन प्लेट का एक्शन आ जा रहा है, अरेबियन प्लेट का, इंडियन प्लेट का, यूरेशियन प्लेट का। तो 1 2 3 मिलके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अर्थक्वेक कर रहे हैं। बस इतना ही समझाना था। अर्थक्वेक के कंसेप्ट पढ़िए, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, सिस्मिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। दो प्लेट होते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, मूव करते हैं, नीचे में लावा होता है, लावा की वजह से मूव करते हैं ये, इधर सबडक्ट होता है कहीं पे, कहीं पे ऊपर वॉल्केनो निकलता है, इसके वजह से पूरा अर्थ ऐसे ऐसे शेक करता है। ये नीचे में जहाँ से अर्थक्वेक आ रहा है इसको बोलेंगे फोकस, ऊपर में जहाँ पर जा रहा है इसको बोलेंगे एपी सेंटर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है अर्थक्वेक के बारे में, पढ़िए, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आता रहता है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।